पिथौरा में आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, किंतु प्रचार प्रसार के अभाव में उक्त मेला पूरी तरह फेल नजर आया। वहीं सभा स्थल पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा कोई भी हितग्राही नजर नहीं आए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में महासमुंद के सांसद एवं बसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक को अतिथि बनाया गया था। इसके अलावा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष को भी अतिथि बनाया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू नहीं पहुंचे। वहीं बसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा मुख्य अतिथि के रूप में मंच में आसीन रहे। अतिथि कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के ही करीब 30 से 35 कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा कोई भी न तो शहरवासी नजर आया, न ही कोई ग्रामीण लाभार्थी नजर आए। पूरे कार्यक्रम के दौरान शहर एवं ग्रामीण वासियों के बैठने के लिए मंगाया गया कुर्सी पूरी तरह खाली नजर आया। इस संबंध में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि पर्याप्त प्रचार प्रसार के अभाव में आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह फेल रहा है। भविष्य में इस पर सुधार करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही है। हमारे सम्माननीय डॉक्टर स्टाफ और हमारे पत्रकार श्री राजेंद्र सिन्हा जी, स्वर्पिल जी और विकास शर्मा जी, हमारे पार्षद, सभी पत्रकार साथी, बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जांच आपके द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। निश्चित रूप से इसका फायदा संबंधित जो भी हितग्राही हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको होगा। और वैसे भी पिथौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे सभी स्टाफ और डॉक्टर्स पिछले कोरोना काल में भी बहुत ही अच्छा आप लोगों ने क्षेत्र की सेवा की। ऐसे विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने क्षेत्र के लोगों का बराबर ध्यान रखा। जहाँ जब कभी जरूरत या आवश्यकता महसूस हुई, आप लोग हमेशा अपनी उपस्थिति से, अपनी सेवाओं से स्वास्थ्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान कार्ड मेन उसमें फोकस किया गया था। सभी के पास आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड के जरिए वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके। इसमें जो सभी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए आप बृहद रूप से प्रचार प्रसार करें और बताएं लोगों को, इसीलिए इलाज यहाँ पर हो रहा है। मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हम लोग सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी दिख रही है, कार्यक्रम को दोबारा आयोजन करने के लिए उन्होंने कहा है। क्या इसमें कार्यक्रम दोबारा आयोजन होगा और कब तक होगा, ये बताएंगे? उसको तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जिले के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। हेल्थ कैंप तो करते रहते हैं, तो हेल्थ कैंप दोबारा करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। उसको हम फील्ड लेवल पर ज़्यादा अच्छा, फील्ड लेवल पर भी हम करें, PSC स्तर पर हमको ज़्यादा हितग्राही मिलेंगे। ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम था तो प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? प्रचार प्रसार तो हुआ था, हमने सुपरवाइजर की मीटिंग भी ली थी और जब से हमको पता चला था कार्यक्रम ऐसा होगा तो हमारे जो सुपरवाइजर हमेशा हमारे से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे BPM हैं, सभी को मालूम था और हम लोग लगातार व्हाट्सएप में इस चीज़ को डाल रहे थे और मीटिंग भी हुई है इस संबंध में हमारी। इस आयोजन में पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को भी इस आयोजन से दूर रखा गया है, उन्हें भी इस आयोजन की जानकारी नहीं दी गई है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी तो दी गई थी जनप्रतिनिधियों को भी, हमने जानकारी दे दिया था और कार्ड्स थोड़े लेट बटे थे, शाम तक बटे थे। ग्रामीण अंचल पे कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, जिसके कारण से यहाँ उपस्थिति आज एकदम शून्य रहा, इसके पीछे क्या कारण है? ग्रामीण अंचलों में तो हुआ है, हो सकता है मौसम की वजह से और कुछ है, लोगों के आने में थोड़ी सी परेशानी आई है, ऐसा हो सकता है। प्रचार प्रसार नियत रूप से हुआ, इसका तो मैं इसके बारे में मुझे मालूम है और मैं फॉलोअप भी लेती रही हूँ हमारे सुपरवाइजर से। आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है, आयोजन किया गया था, जो कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर। इसी तारतम्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
पिथौरा में किया गया है और इसका लाभ यहाँ के लोग विभिन्न जो जांच वगैरह है वो सब लेकर के उसका फायदा ले रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कहीं भी दिख नहीं रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी जो है वो वंचित हो रहे हैं इससे। जो है अभी हम देखे यहाँ पर जो कोई भी स्वास्थ्य उपचार के लिए यहाँ पर आई नहीं है, इस पर आप क्या कहते हैं? कुर्सी खाली यहाँ से यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह से कहा है कि इसका प्रचार प्रसार ठीक से करें और फिर दोबारा कैंप आयोजित करें और बड़े जो गाँव हैं वहाँ भी आप 2-3 सेंटर बना करके कैंप लगाएँ जिसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा। सर, यहाँ पर 2 वर्ष से लगातार जो है एक्स्ट्रा मशीन बंद है ऑपरेटर के नहीं होने की वजह से, इस पर जो है यहाँ के स्वास्थ्य जो उपचार कराने आते हैं वो वंचित होते हैं और बाहर जो एक्स्ट्रा मशीन है वो लोग अनाप शनाप रेट जो है वसूल रहे हैं। इसका शिकायत हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना ही ऑपरेटर की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये मैं भी 1-2 बार इसके संबंध में पत्र लिखा हूँ और माननीय मंत्री जी से और संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं CMHO वगैरह उनसे भी मैंने कहा था कि यहाँ मतलब सिर्फ ऑपरेटर की कमी नहीं है और भी कई कमियाँ हैं जिसको पूरा करना आवश्यक है। जितना बड़ा हॉस्पिटल है, जितने यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पा रहा है। इसका मैं प्रयासरत हूँ कि वो जल्द से जल्द हो और यहाँ के लोगों को। लास्ट और अंतिम सवाल मेरा ये है सर, मातृ शिशु अस्पताल जो है आप ओपनिंग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक शिशु रोग विशेषज्ञ थे यहाँ पर जो उसको भी अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ पर कोई डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल जरूर है, जिला का बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो करोड़ों का जो है एक OT लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उनको लोगों को जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, एक गंभीर समस्या है। इसका इस पर आप क्या कहेंगे, कब तक इससे निजात मिल पाएगी? मैं पहले बताया ना कि और भी कई कमियाँ हैं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और डॉक्टर को भी डॉक्टर भी यहाँ पर पदस्थ कराएंगे जल्द। ठीक है।